वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पिछले एक महीने के दौरान विश्व स्तर पर कोविड 19 के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में शनिवार सुबह तक 24 घंटे में कोविड 19 के 752 नए मामले दर्ज किए गए। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के ये सबसे अधिक मामले हैं। इससे इस सीजन में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,420 हो गई। देश में संक्रमण से अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 20 नवंबर से 17 दिसंबर तक यानी 28 दिनों में दुनिया भर में कोविड के 8.5 लाख से अधिक नए केस दर्ज किए गए। इस अवधि में इस संक्रमण से 3,000 से अधिक मरीजों की मौत के साथ इस आंकड़े में 8% की कमी दर्ज की गई है। 17 दिसंबर तक विश्व स्तर पर कोविड के 772 मिलियन से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 7 मिलियन मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। दुनिया में 13 नवंबर से 10 दिसंबर के दौरान 1,18,000 से अधिक कोविड के नए मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए और 1,600 से अधिक नए मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। कोविड को लेकर लगातार रिपोर्ट करने वाले देशों में वर्तमान रिपोर्ट में 23% और पिछली रिपोर्ट में 51% की ओवरऑल वृद्धि दर्ज की गई। WHO ने पिछले सप्ताह JN1 को ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट का एक सब वेरिएंट बताया था। इसे मूल वेरिएंट BA.2.86 से सेपरेट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया, क्योंकि हाल के सप्ताह में इसकी वृद्धि तेजी से हुई है। EG.5 विश्व स्तर पर सबसे अधिक रिपोर्ट किए जाने वाला VOI बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 9,200 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 28 दिनों की तुलना में 388% की वृद्धि है। बिहार और पंजाब में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका के चलते भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। पंजाब में अभी तक JN.1 का कोई केस तो नहीं आया है, लेकिन अमृतसर हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य निदेशालय की एडवाइजरी के अनुसार भीड़भाड़ वाली जगहों पर सबों के लिए मास्क जरूरी रहेगा। अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मरीजों और तीमारदारों के लिए भी मास्क जरूरी होगा। इसी के साथ हर व्यक्ति को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।